हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। एंड सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से जयराम जी की, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज फटाफट थोड़ा लेट हो रहा है मुझे जाने के अंदर, और तैयार हो रही तो ब्लॉग की शुरुआत मैंने मेकअप के साथ में शुरुआत की है। और आज मैं जा रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, क्यों जा रही हूँ ये पता लगे अभी एयरपोर्ट जाने के बाद में, और कौन जा रहा है मेरे साथ ये भी पता लगे आप लोगों को। सो मेरे साथ चलिएगा, लेट्स गो। मैं पहुँच गई हूँ एयरपोर्ट पे, और अभी जो साथ में जाने वाली है, जाने वाला वो भी आ रहा है, आप लोगों को मिलाती हूँ कौन है। और हम लोग बहुत मस्ती करने वाले वहाँ पे, फुल एंजॉय करने वाले। आई होप सो आप इस ब्लॉग को एंजॉय करेंगे। और अब से एयरपोर्ट पे इतनी भीड़ नहीं है, आते लगता मेरे आने को जाने तो इतनी भीड़ नहीं है। अभी बस आने वाले आ रहे हैं, अभी आने वाली आ रही है, जो भी है तो आपको दिखाती हूँ। सरप्राइज फॉर मी, इतनी मेरे लिए तो नहीं है, अभी आप लोगों की सरप्राइज दिखाती हूँ कौन है। तो कितना भी कर ले, तो कितना भी कर ले, वीडियो में तो आखिरकार मिल गई मुझे ये तो पानी यहाँ पे। वीडियो में नहीं आने की कोशिश कर रही कि मैं वीडियो में नहीं आऊँ, मैं नहीं आऊँ, पर आखिरकार देख लो आ गई। आप लोग बोल रहे थे, आप लोग मैं बोल रही कौन जा रहा मेरे साथ, तो ये जाने वाली है। ये मेरे ब्लॉग में आना चाहिए, मैं तेरा ही हूं। मुझे बात बता, तो पतली कैसे होगी पहले से? मुझे पूरे पूरे तरह से दिखाया, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये पहले से पतली हो गई। और इससे पूछती हूँ कि तेरा डाइट का राज क्या है? पहले तो खाना मत खाओ। पहले तो पसंद तो पतली होगी, मजाक नहीं कर रही। हाँ बड़ा अच्छा लग रहा है, पसंद तो मजाक नहीं कर रही। सब लोग इसको बधाई लिख के भेज दो कि पतली हो गई पहले से। तूने बताया तो नहीं है ना कि हम कहाँ जा रहे हैं? मत बताना, मत बताना। सब पता है, मैं बता दिया। शिट यार, शायद शिट। माइकल कॉर्स बैग, ओह माय गॉड, वी आर नॉट प्रमोटिंग दिस बैग, बट शी हैज बिकम वेरी रिच, शी विल गिव मी दिस बैग, यू विल यू ले जा, ले जा। हां, वी विल टेक फ्रॉम सरोजिनी नगर। हमारा सिक्योरिटी चेक इन हो गया, अभी हम हमारा गेट नंबर बैठते हैं बोर्डिंग पास से बात करना। हाँ, अभी हमारा गेट नंबर कितना है? इसको कोई भी चीज़ बताएगी दो घंटे बाद में बताने वाले कि बोर्डिंग पास कहाँ पर है, फिर ढूंढेगी, फिर गेट नंबर कितना है, 25% ऑफ में। पैसे कितने बताएंगे लाते इसके? 30,000 पे 20% डिस्काउंट पे ले लेना। बोल सन ग्लासेस लेने वाले, और बोल 20% ऑफ चल रहा है, इनको ये नहीं पता एयरपोर्ट वाले लूटी खा जाएंगे 2 मिनट में। ये बात तो है यार, सीरियसली वह कमाने के लिए बैठे। मैंने एक बार जयपुर में मॉल में गई थी, तो वहाँ पे एक सनग्लास गुच्ची गुच्ची का 25-30 हज़ार का था वो। हाँ, तो महंगे हैं, महंगे हैं, कुछ अच्छा क्लासिक है, यहाँ वाले बहुत देते हैं। सोना के आ चुके कॉफ़ी, और मैं लाई घर से फ्रूट शेक। ये चाय की बहुत तगड़ी, नहीं कॉफ़ी की बहुत तगड़ी दीवानी है। देखो, ये कॉफ़ी नहीं पीती, ये चाय भी नहीं पीती, ये दूध पीती है। सही बात है, गाय का। और उसमें बहुत ज़रूरी है कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें, और जो रेसिपी ये अपने नेक्स्ट ब्लॉग में लेके आएगी। 100% कैसे बनाते हो ज़रूर बताऊँगा आप लोगों को। 12 नंबर 12 क्या? दिल्ली में बैठ गई फ्लाइट के अंदर, और अभी टेक ऑफ होने वाली है, मे बी आई थिंक 2 से 3 मिनट टेक ऑफ हो जाएगी, और फाइनली हम पहुँच जाएंगे हमारे डेस्टिनेशन के ऊपर थोड़ी देर के अंदर। आई होप हम सब बहुत इंजॉय करने वाले हैं, क्या तूफान करें क्या नहीं करने वाले सब आपको दिखाने वाले हैं। सो चलो, कैसे खड़ी हुई है, सीरियसली कैसे खड़ी हुई है, पता चला इतने। मैं पहुंच गई दिल्ली एयरपोर्ट पे, और जो फ्लाइट का सफ़र था बहुत ही अच्छा, वाकई बहुत ही अच्छा है। सो आप समझ गए मैं कहाँ आई हूँ, मैं दिल्ली आई हूँ शॉपिंग करने के लिए, और सिर्फ शॉपिंग करने के लिए, कोई काम नहीं था। हम लोगों ने प्लान किया कि 2-3 दिन चलते हैं, मस्त शॉपिंग करते हैं। और काफ़ी सुनने में आज दिल्ली में बहुत अच्छी शॉपिंग होती है, बहुत ही चीप प्राइस में बहुत अच्छी वाली चीज़ मिलती है, तो हमने प्लान किया कि चलो हम चलते हैं।
तो आ गई, अब आपको दिखाती हूँ दिल्ली का एयरपोर्ट। हमने हमारा बैग ले लिया, ये देखो बड़े वाला बैग, क्योंकि हाँ कुछ बताना चाहती हूँ, बता बता। एक मिनट दिखा रही आप सभी को, एकदम प्रॉपर दिखाऊंगी। एक राउंड ट्रॉली देना चाहती हूँ, ये इस बैग का साइज देखो, ये दिल्ली आई है। और इस बैग में ना सिर्फ उसने दो टी शर्ट रखा और अपने इनर वेयर रखे और कुछ नहीं है। ये देखो एक, ये देखो, क्योंकि आप जब भी दिल्ली आए तो इतना बड़ा बैग लेके आए। क्या मैंने क्या ज्ञान, बड़े वाला बैग लेके जाने का ये एक्चुअली दरअसल इसके लिए इतना बड़ा बैग लाई है कि यहाँ से आए खाली लेके जाएंगे भर के। चल ये बोल रही कि मैं ना ये वाला बैग भर के लेके जाऊंगी और बोले नया बैग परचेज कर, एक ले लेंगे यार, नया बैग जरूरत है लाइफ में। बेटा यहाँ से चल रहे, इतने कोई किसी को पता ही नहीं होगा कि इस लगेज में कितने वो है कपड़े। पहुंच गए अपने होटल में और ये भी आ गई और चल रहे फाइनली, और अभी हम चेक इन कर लेते हैं और अपना रूम का दिखा, रूम क्यों दिखा रहे कैसा है हमारा होटल का अंदर का व्यू है, बहुत ही प्यारा वाला। चेक इन टाइम चल रहा है और अगर अपने की मिल जाएगी तो बस अभी रूम में जाएंगे, थकान हो रखी है हम लोग को। यहाँ पे जा रहे हैं हमारे रूम की तरफ, बहुत ही अच्छा। सो फाइनली पहुँच गई रूम के अंदर, ये मेरा रूम है और वो लगी पड़ी है व्लॉग बनाने के अंदर, और बहुत 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 ही प्यारा वाला रूम है, बहुत ही लग्जरी वाला रूम है। सो हम फुल मस्ती करने वाले हैं, घूमे फिरेंगे, होटल फुल दिखाऊंगी आपको। हम खाना जा रहे हैं खाना, और हमारा खाना आ चुका है, और हमारा खाना क्या है वो भी दिखाते हैं। और इसने आज अपने हाथों से बनाया, हाथों से बनाया, हाँ हाँ अपने हाथों से बनाया। ये अभी यहाँ पे फर्स्ट टाइम में काम करने लग गई, तो यहाँ खाना बनाने का। यस मुझे जॉब मिल गया यहाँ पे, ये बहुत बड़ा ब्रेकिंग न्यूज था। और खाने में क्या है ये आपको दिखाती हूँ। ये बहुत तेज भूख, बहुत नहीं बहुत तेज भूख, और ये पापड़ थोड़े मतलब ऐसे चिक चिक से हो रखे, बट इट्स ओके। दाल किस में लूंगी, खाना दिखा देती हूँ। ये है खाना हमने जो ऑर्डर किया है। यस हम इतना सारा खाते हैं, हम बहुत वाकई में बहुत ज्यादा भूखड़ लोग हैं। हाँ मैं तो बहुत खाती हूँ, मैं तो बहुत बहुत बड़ी भूखड़ हूँ, और मैं तो खाने के बिना चैन ही नहीं मिले मुझे तो बिल्कुल भी। पहुंच गई हूँ दिल्ली के सीपी में, यहाँ पे मतलब बहुत अच्छी शॉपिंग है। अभी हमने शॉपिंग की नहीं, बस पहुँचे हैं अभी और देखते हैं यहाँ पे क्या मिलता है, आप लोगों को दिखाते हैं यहाँ का नज़ारा। ये देखो यहाँ का मार्केट, ये देखो यहाँ का मार्केट बहुत ही अच्छा वाला है। लड्डू, फाइनली लड्डू इज इन सीपी। तूने मर्च किया है क्या अपने आपको, सीपी वाइट है पूरा, तो तूने वाइट बना। यहाँ हमने देखा सारे ऑलमोस्ट यहाँ ब्रांड है, और हम ढूंढ रहे हैं लोकल मार्केट। सो ब्रांड्स का हम लोगों ने दिमाग किया मुंबई में परचेज करो, ब्रांड्स तो हर जगह ब्रांड ही सेम टू सेम होता है, तो कोई मतलब नहीं है। तो देखो भी कुछ समझ में अगर आ गया तो लेते हैं सामान, कुछ तो फिर देखते हैं। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं रेस्टोरेंट, ये रात हो चुकी है, शॉपिंग के लिए बहुत घूमी। हम पहुंच गए रेस्टोरेंट, खाना हमने ऑर्डर किया, आई होप यहाँ का खाना अच्छा हो, सुबह खाना भी इतना टेस्टी नहीं मिला। तो अभी ही हमने खाना ऑर्डर किया, डेली कुछ फेमस चीज़ें हमने ऑर्डर किया, बहुत अच्छा है। अच्छा खाना आ चुका है, क्या है दिखाते हैं। फाइनली हम पहुंच गए हैं रूम में और बहुत थकान हो चुकी है, क्या शॉपिंग क्या नहीं किया ये आपको बाद में दिखाऊंगी, जब मैं वापस मुंबई पहुंच जाऊंगी तब दिखाऊंगी। आज बहुत थक चुकी हूँ, फिर से मेरी तरफ से जयराम जी के एंड गुड नाइट, मिलते हैं न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।